प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कटघरे में खड़ा करते हुए एक हिंदू संगठन ने सचर कमेटी के खिलाफ याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि वह अधिसूचना किसी कैबिनेट निर्णय का नतीजा नहीं थी, बल्कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की इच्छा पर आधारित थी। समिति का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 के उल्लंघन है। सच्चर समिति असंवैधानिक और अवैध है, क्योंकि यह राष्ट्रपति के आदेश के तहत नहीं है। जी हां, बता दें कि सनातन वैदिक धर्म नाम की संस्था ने कहा है कि मनमोहन ने अपनी तरफ कमेटी के गठन का आदेश दिया है। ये असंवैधानिक है। किसी विशेष धार्मिक समुदाय के लिए इस तरह के आयोग का गठन नहीं किया जा सकता है। सच्चर समिति 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति थी। इसकी अध्यक्षता दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रजिंदर सच्चर ने की थी, और समिति ने भारत के मुसलमानों के समावेशी विकास के लिए सुझाव और समाधान दिए थे। इस याचिका में समिति की रिपोर्ट के अमल पर रोक लगाने की भी मांग की गई थी। वहीं आपको बता दें कि एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के कार्यालय से जारी दिनांक 9 मार्च 2005 की अधिसूचना में कहीं भी उल्लेखनीय नहीं है कि ये किसी कैबिनेट निर्णय के बाद जारी किया गया। मनमोहन सिंह ने अपनी मर्जी से मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति की जांच के लिए कमेटी गठन का निर्देश दिया। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।